शेल कंपनी खनन पट्टा मामला, हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकारा, सीएम हेमंत व सरकार की दलील खारिज। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और शेल कंपनी मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए याचिका को सुनवाई के योग्य बताया। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में याचिका खारिज करने की मांग की थी। अब इस मामले पर 10 जून को विस्तृत सुनवाई होगी। मालूम हो कि राज्य सरकार की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की मेंटेनेबिलिटी को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी तय करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से यह तय हो गया है कि शेल व खनन से जुड़ा मामला आगे चलेगा।